Yes, good morning, students. Please raise your hand if audio and video is clear. Okay, thank you so much. देखिए चैप्टर फर्स्ट तो कंप्लीट हो गया है, उसके जो भी टॉपिक्स थे हमने डिस्कस कर लिए हैं। अभी इसके न्यूमेरिकल्स को देखते हैं, फ्लक्स के कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर एनसीईआरटी बुक के न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, देखिए अब डिफरेंट डिफरेंट सरफेसेस से हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि कौन कौन से सरफेस से कितना कितना फ्लक्स लिंक होता है, तो उसको उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो देखिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूं, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्यूब व्हेन चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट ए कॉर्नर ऑफ द क्यूब एट ए कॉर्नर ऑफ द क्यूब। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन के डायग्राम के बारे में समझिए। इसमें ये दिया गया है कि यहां पर हमारे पास क्या है, एक क्यूब दिया गया और इस क्यूब के एक कॉर्नर पे आपको बोला गया है कि चार्ज को रखा गया। सो दिस इज ए क्यूब और इस क्यूब के कॉर्नर पे हम लोग क्या रख देते हैं, एक चार्ज को रख देते हैं। सो दिस विल बी द चार्ज, ये यहां पर ये चार्ज पर है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसके साथ इस क्यूब के साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा, इस क्यूब के साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा। तो देखिए कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है उसको, फ्लक्स को। सबसे पहली बात, ये चार्ज है क्यू, और अगर क्यू चार्ज यहां पर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो सब डायरेक्शंस में जाएंगी, इससे रेडियली आउटवर्ड जाएंगी अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अराउंड ए क्यू चार्ज। तो इसमें क्या कर रखा है, यहां पर ये क्यूब दे रखा है। अब फील्ड लाइन ऊपर की तरफ भी जाएंगी, इस डायरेक्शन में भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी जाएंगी। तो आपसे सिर्फ इस क्यूब के साथ कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है ये पूछा जा रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें पहले तो टोटल फ्लक्स निकालना होगा। टोटल फ्लक्स कैसे निकाल सकते हैं, तो आपको अगर गॉस थ्योरम से ये कैलकुलेट करना है तो उसके लिए कैसा सरफेस चाहिए होगा, क्लोज सरफेस। कैसा सरफेस चाहिए होगा, क्लोज सरफेस। तो देखिए क्लोज सरफेस क्या होगा, ये जो चार्ज है इसको पूरा का पूरा हम लोग क्या करेंगे, दूसरे क्यूब्स के थ्रू से क्या कर देंगे, पूरा कवर कर देंगे। तो बेसिकली ये चार्ज पूरा का पूरा किस में आ जाएगा, फिर एक क्लोज सरफेस में आ जाएगा। तो देखिए मैं यहां पर इमेजिनेशन करता हूं, एक क्यूब इस तरफ होगा, दिस इज ए क्यूब, और एक क्यूब हम नीचे की तरफ इमेजिन करते हैं, और एक क्यूब यहां पर होगा इस तरफ। तो अगर हमने यहां पर ये चार क्यूब बना दिए हैं, अगर हमने यहां पर ये फोर क्यूब्स को बना दिए, तो इसमें क्या हुआ, चार्ज यहाँ सेंटर पर पड़े और पीछे की तरफ सारी फील्ड लाइन जो जा रही है वो इन क्यूब से पास होगी। अब क्या होगा, इसके आगे भी चार क्यूब बनाने पड़ेंगे। तो देखिए उसको क्रिएट करते हैं हम लोग, तो टोटल आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर एट क्यूब्स का कंसिडरेशन करना पड़ेगा। जब एट क्यूब्स हो जाएंगे तो हमारा जो चार्ज है वो पूरा का पूरा कहाँ आ जाएगा, इस क्लोज सरफेस में आ जाएगा। सो हेयर दिस इज द नेक्स्ट क्यूब, और इसके आगे एक और क्यूब को इमेजिन करेंगे, इसी तरह से यहां पर एक क्यूब होगा, तो
बेसिकली टोटल कितने क्यूब होने चाहिए? टोटल 8 क्यूब्स होने चाहिए। हाँ तो इस तरह से क्या होंगे, ये 8 क्यूब्स आएंगे जो चार्ज को पूरी तरह से क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। ये सेंटर में अब चार्ज है, 4 क्यूब्स बैक साइड में, 4 क्यूब्स फ्रंट साइड में। अब अगर मैं बात करूं कि टोटल फ्लक्स लिंक टू दिस सरफेस, टोटल फ्लक्स इस पूरे क्यूब के साथ, मतलब कि ये जो पूरा बड़ा क्यूब बनेगा जिसके अंदर ये 4 क्यूब आ रहे हैं, 8 क्यूब आ रहे हैं, तो उसके साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या लगेंगे, यूजिंग गॉसेज लॉ, टोटल फ्लक्स लिंक टू द टोटल फ्लक्स लिंक्ड टू द गॉसियन सरफेस कितना फ्लक्स लिंक होगा, तो आंसर है फाई ई इज इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन द सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द फ्लक्स, कितनी फील्ड लाइंस इससे अराइज होंगी जो सब डायरेक्शंस में जाएंगी, विच विल मूव इन द ऑल द डायरेक्शंस, जो सारी डायरेक्शंस में क्या करेंगे, मूव करेंगे। ओके, तो अब हमें क्या निकालना था, सिर्फ एक क्यूब से निकालना था, ये टोटल फ्लक्स है। अब मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, देखिए इस तरह से भी लिखा जा सकता है, फ्लक्स लिंक्ड टू 8 क्यूब्स, जो 8 क्यूब है उनके थ्रू कितनी फील्ड लाइंस जा रही हैं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे लिखेंगे सो फ्लक्स लिंक्ड टू 1 क्यूब, तो 1 क्यूब से कितनी फील्ड लाइंस आएंगे, 8 क्यूब से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट फील्ड लाइंस हैं, तो 1 क्यूब से क्या होगा, ये डिवाइड बाय 8 आ जाएगा, सो दिस विल बी द फ्लक्स विच इज लिंकिंग टू द फर्स्ट क्यूब, जो हमने फर्स्ट क्यूब बनाया था, जो सॉलिड लाइन से बनाया था, उसके साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा, क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। तो 1 क्यूब के साथ इतना फ्लक्स लिंक होता है, दिस इज द सॉल्यूशन, ये आंसर है इसका, ये सॉल्यूशन है इसका। ओके, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर चार्ज किसी कॉर्नर पर पड़ा होगा, क्यूब के एक कॉर्नर पर पड़ा होगा, तो उस समय पर हम क्या करेंगे, उससे जो फ्लक्स लिंक होगा उसको कैलकुलेट करेंगे, और उस लिंक्ड फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसके चारों तरफ 8 क्यूब्स का कंसिडरेशन करना पड़ेगा, और वो जो 8 क्यूब्स का कंसिडरेशन होगा उससे आप लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, उससे आप लोग टोटल फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करने के बाद में फिर हम बताएंगे कि 8 क्यूब के साथ कितना फ्लक्स लिंक होता है, तो 1 क्यूब के साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा, तो 1/8 हो जाएगा वो। ओके, सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सॉल्यूशन। इसको भी नोट्स में ऐड कर देंगे इस क्वेश्चन को। अच्छा, अब इसी तरह का एक क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें जो चार्ज है वो हम इसके कॉर्नर पे नहीं रखेंगे, किसी भी एज के सेंटर में रखेंगे, किसी भी एज के क्या कर देंगे, सेंटर में रख देंगे, उस समय पर भी हम इससे क्या निकाल सकते हैं, फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी गिवन है इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस, और उसके अलावा जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि आपको एक सरफेस दे देगा और बोलेगा इसके साथ कितना फ्लक्स लिंक होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सरफेसेस को हम लोग क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्यूब व्हेन ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द एट द सेंटर ऑफ एन एज ऑफ द क्यूब, जब चार्ज किसी एज के सेंटर में पड़ा होगा। तो देखिए इसका क्या डायग्राम बनेगा, सबसे पहले डायग्राम को अंडरस्टैंड कीजिए, फिर उसके बाद हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं।
ये क्यूब है और इस क्यूब के किसी भी एज पर हम लोग क्या रखने वाले हैं, चार्ज को रखने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने इस एज पर एक चार्ज को प्लेस कर दिया Q चार्ज, हियर इट इज प्लेस्ड एट दिस एज। अब इस क्यूब के साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो क्या बताया मैंने आपको, ऐसा गॉसियन सरफेस लेना होगा जो इस पूरे चार्ज को कवर कर दे, मतलब चार्ज के चारों तरफ जब तक क्लोज सरफेस नहीं आ जाएगा तब तक आप गॉस लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहला क्या है, आपको इसमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, गॉस लॉ को अप्लाई करना पड़ेगा। तो गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए आपको फिर से यहाँ पर एक कंसिडरेशन करना पड़ेगा गॉसियन सरफेस का, और वो गॉसियन सरफेस कैसा होगा। देखो एक क्यूब ये है, अगर मैं इसके पास में एक क्यूब और बना दूं तो इधर से तो ये कवर हो जाएगा, फिर नीचे एक क्यूब आएगा, इस तरफ एक क्यूब आएगा, तो टोटल यहाँ पर कितने क्यूब्स की जरूरत पड़ेगी, फोर क्यूब्स की। और जब चार क्यूब एक साथ रख दिए जाएंगे तो उस समय पर ये जो चार्ज होगा ये क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा पूरा क्लोज सरफेस से। तो यहां पर एक क्यूब का कंसिडरेशन किया जाएगा, दिस वन, इसी तरह से यहां पर एक क्यूब आएगा, दूसरा क्यूब यहां पर आएगा, ये डायग्राम होगा उस केस में, दिस डायग्राम कैन बी मेड। ओके, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये चार्ज को कवर कर देंगे किससे, क्यूबिकल सरफेसेस से। सो दिस इज द डायग्राम, और इस डायग्राम में क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये जो चार्ज है अब ये पूरी तरह से क्या हो चुका है, पूरी तरह से कवर हो चुका है, ये क्लोज सरफेस है इसके चारों तरफ। तो फिर से हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा, दिस विल बी फाइव ई इज इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सो दिस विल बी द फ्लक्स। और ये फ्लक्स कितने क्यूब्स के साथ लिंक है, ये पूरा गॉसियन सरफेस है और चार्ज इसके सेंटर में पड़े, तो जितने भी फील्ड लाइन्स इससे निकलेंगी वो इस पूरे क्यूब के साथ, चारों क्यूब के साथ क्या होंगी, लिंक होंगी। ये चार्ज यहाँ पर सेंटर पर पड़ा है और फील्ड लाइन्स कैसे जा रही है, फील्ड लाइन्स सब डायरेक्शन में आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो अब इधर एक क्यूब है, इधर एक क्यूब है, यहाँ एक क्यूब है, यहाँ एक क्यूब है, तो सब डायरेक्शंस में सब क्यूब्स के थ्रू क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, अब ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स था इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड टू फोर क्यूब्स, फोर क्यूब्स के थ्रू कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है या कितना फ्लक्स पास हो रहा है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इतनी फील्ड लाइंस जा रही। तो यहां लिखेंगे सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड टू वन क्यूब, तो एक क्यूब के साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा, सो दिस विल बी क्यू अपॉन फोर एप्सिलॉन नॉट, तो ये इसका आंसर होगा। तो जब चार्ज को कॉर्नर पे रखा जाएगा तब फ्लक्स आएगा क्यू अपॉन एट एप्सिलॉन नॉट, और जब चार्ज को किसी भी एज के सेंटर में रखा जाएगा उस समय पर इससे जो फ्लक्स लिंक होगा वो फ्लक्स आएगा Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। इसको भी नोट कर लीजिए, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। Okay, now I will write the next question.
देखो फ्लक्स अच्छे से स्टडी कर लिया आपने, एप्लीकेशंस करवा दिए, अब आपको ये जो गॉस लॉ है इसको अप्लाई करने में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इस टाइप के छोटे न्यूमेरिकल्स के अंदर। कैलकुलेट आउटगोइंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट आउटगोइंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद, कैलकुलेट द आउटगोइंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद गिवन सरफेसेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एसोसिएटेड विद गिवन सरफेसेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके अब देखिए कौन कौन से सरफेस गिवन है। सॉल्यूशन बीसी में आ जाएगा, इसके साथ साथ लिख देंगे इसके आंसर। सबसे पहले सरफेसेस बना देता हूं मैं। एक जो सरफेस है वो है स्फेरिकल सरफेस, जैसे कि स्फेयर होता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, सिर्फ आपको आउटगोइंग फ्लक्स बताना है। तो पहला सरफेस है स्फेरिकल सरफेस, और ये जो स्फेरिकल सरफेस होगा इसके साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा। टोटल फ्लक्स तो जीरो होता है, तो टोटल फ्लक्स आपसे पूछा भी नहीं जा रहा, सिर्फ आउटगोइंग फ्लक्स पूछा जा रहा है कि फील्ड लाइंस, कितनी फील्ड लाइंस इस सरफेस से बाहर आएंगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दे रखा है इस डायरेक्शन। दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, और ये ए डायग्राम है जिसमें आपको कौन सा सरफेस दे रखा है, स्फेरिकल सरफेस। ओके सो दिस इज ए डायग्राम इन विच स्फेरिकल शेल इज गिवन। तो आपको यहां से आउटगोइंग फ्लक्स बताना है। सेकेंड सेकेंड जो सरफेस है वो दे रखा है हेमिस्फीयर, हेमिस्फेरिकल शेल। तो हेमिस्फेरिकल शेल को बनाते हैं, दिस इज द हेमिस्फेरिकल शेल। और इसके साथ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में गिवन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको इसके साथ भी क्या बताना है, इसके साथ भी फ्लक्स बताना है, कितना लिंक होगा, कितना आउटगोइंग फ्लक्स होगा, कितनी फील्ड लाइंस इसमें से बाहर आएंगी। नेट फ्लक्स तो जीरो होगा, क्योंकि जितनी फील्ड लाइन इस सरफेस से एंटर करेंगी उतनी फील्ड लाइन उस सरफेस से क्या आ जाएगी, दूसरे सरफेस से बाहर आ जाएंगी। तो नेट फ्लक्स तो इसमें जीरो होगा, नेट फ्लक्स निकालना भी नहीं है। नेक्स्ट इसमें एक सिलेंड्रिकल शेल दे रखी है, थर्ड वन, ये सिलेंड्रिकल शेल जो हमने सेकेंड एप्लीकेशन में यूज की थी, एक लाइन चार्ज के आसपास जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं गॉस लॉ से, तो उस समय पर हम ऐसी शेल्स का यूज करते हैं। थर्ड वन इज सिलेंड्रिकल शेल, और इससे भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। अब तीनों के थ्रू आपको फ्लक्स बताना है, तीनों के थ्रू फ्लक्स बताना है। तो देखिए इस डायग्राम में देखिए मैं क्या एडिशन करता हूँ। सबसे पहली बात हम लोग बात करते हैं स्फेरिकल शेल की। अगर स्फेरिकल शेल है तो उसमें कितना एरिया ये क्रॉस करेगा, तो देखिए मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ, इसके अंदर एक एरिया दिखाता हूँ, दिस विल बी द एरिया। तो इतने एरिया से आपको सिर्फ आउटगोइंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है। क्वेश्चन में आउटगोइंग के बारे में पूछा गया, तो हमें सिर्फ यहां पर खड़े होकर के देखना है कि इधर से कितनी फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आती है। ओके तो ये वो एरिया होगा जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या आएंगी, बाहर की तरफ आएंगी। एक स्फेरिकल शेल के सेंटर में आप क्या कंसीडर करेंगे, पाई आर स्क्वायर एरिया कंसीडर करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस एरिया को क्या करेंगी, पास करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, ई ए कॉस थीटा। तो यहां पर अगर हम फ्लक्स निकाल रहे हैं आउट वाला, सबसे पहले ए के लिए लिख रहा हूं स्फेरिकल शेल के लिए, फ्लक्स निकाल रहे हैं आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो आएगा ई ए कॉस जीरो डिग्री। कॉस जीरो डिग्री क्यों आएगा, क्योंकि अगर मैं ये सरफेस कंसीडर करता हूं तो इस सरफेस से क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड
इस सरफेस से क्या होगा, नॉर्मल टू द सरफेस, दिस इज द एरिया वेक्टर ऑफ दिस सरफेस। अगर आप इस शेल को लेना चाहें तो शेल के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं, जैसे ये पूरी शेल है तो इस शेल को ऐसा हाफ कर लीजिए आप। अब इसमें से क्या होगा, फील्ड लाइंस कहाँ से बाहर आ रही है, इस सरफेस से बाहर आ रही है फील्ड लाइंस। तो ये जो सरफेस होगा इसके एरिया को कंसिडर करना है आपको, और यहाँ पर एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो एक स्फेयर के अंदर से कितना, एक स्फेयर के अंदर से कितना फ्लक्स लिंक होगा, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके सेंटर में क्या करना है, एक एरिया कंसिडर करना है, और वो एरिया कितना होता है, वो हमें पता है पाई आर स्क्वायर एरिया होगा। और थीटा कितना आएगा, थीटा आएगा 0 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की भी यही डायरेक्शन है और एरिया वेक्टर के भी यही डायरेक्शन है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में, तो 0 डिग्री आएगा एंगल। सो दिस विल बी द कोस 0 डिग्री। सो फ्लक्स आउटवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल शेल विल बी ई इनटू एरिया, इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, सो दिस विल बी द एरिया। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, और कोस जीरो क्या होता है, कोस जीरो वन होता है। तो एक स्फेरिकल शेल के साथ इतना फ्लक्स होगा, आउटगोइंग फ्लक्स। अब दूसरा बात करते हैं हेमिस्फेयर के बारे में। हेमिस्फेरिकल शेल, इसके सेंटर में भी क्या करेंगे, इसके सेंटर में भी ये एरिया लेंगे, दिस एरिया, इस सरफेस को क्रॉस कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इसका एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा। सो दिस इज द एरिया वेक्टर ऑफ दिस सरफेस इनसाइड द हेमिस्फेयर शेल। तो इस सरफेस में से इतनी फील्ड लाइंस बाहर आएंगी, तो यहां लिखेंगे फ्लक्स आउटवर्ड विल बी ई ए कॉस 0 डिग्री, और यहां पर लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसका एरिया कितना लिखा जाएगा, इसका एरिया हाफ हो जाएगा। अगर पूरी पूरी स्फेरिकल शेल होती है तो पाई आर स्क्वायर एरिया होता है, अगर हाफ ये हेमिस्फीयर है, हाफ स्फेरिकल शेल है, तो ये जो एरिया आएगा दैट विल बी पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2, और कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 1 होता है। सो दिस विल बी द फ्लक्स व्हिच इज गोइंग आउटवर्ड्स फ्रॉम द हेमिस्फीयर शेल। अगर मैं शेल के इस तरफ खड़ाऊंगा तो इसमें से इतनी फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आएंगे। इसी तरह से इसमें कंसिडर करना है, इसमें कंसिडर करने के लिए हम क्या करेंगे, एक सरफेस का इमेजिनेशन करेंगे, दैट सरफेस विल बी ये रेक्टेंगुलर सरफेस। ये कैसा सरफेस होगा, ये रेक्टेंगुलर सरफेस होगा, ऐसा, दिस वन। तो ये रेक्टेंगुलर सरफेस का एरिया कितना आएगा, तो आंसर है कि आपको क्या करना है, इस सिलेंडर को हाफ कर लेना। जैसे ये सिलेंडर है, अब इसमें इसको जब आप हाफ करोगे तो इधर से क्या हो रहा है, इधर से फील्ड लाइन एंटर कर रही है। जो फील्ड लाइंस एंटर करनी है इस सरफेस में, वो ये वाला सरफेस है। तो हमें कौन से सरफेस की बात करनी है, आउटगोइंग सरफेस की बात करनी है। तो एक सिलेंडर के अंदर दो सरफेस होते हैं, सिलेंडर के अंदर ये कर्व सरफेस है, पूरा तीन सरफेस है, अपर सरफेस, बॉटम सरफेस और ये कर्व सरफेस। तो हम कर्व सरफेस के साथ कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो ये कर्व सरफेस को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस सिलेंडर को हाफ कर देंगे, टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। जब मैं इसको हाफ करूंगा तो इसका ये वाला एरिया इधर आएगा, ये इस तरह का दिखाई देगा, हाफ सिलेंडर, दिस वन, ये ऐसा होगा हाफ सिलेंडर। और ये जो हाफ सिलेंडर है ये कितना सरफेस एरिया है, इसका जो एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, टोटल कर्व सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का, टोटल कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2πRL। और यहां पर हमने कैसा सरफेस एरिया लिया, आधा सिलेंडर लिया ना, हाफ सिलेंडर तो लिया ही नहीं है, एंटर करने वाला फ्लक्स तो कैलकुलेट ही नहीं करना, सिर्फ बाहर जाने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो आपको सिर्फ इस सरफेस को लेकर के चलना है, दिस सरफेस। तो इस सरफेस को लेकर के चलेंगे तो उस समय पर ये जो एरिया होगा ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हाफ हो जाएगा, पूरे कर्व सरफेस का एरिया, ये जो पूरा कर्व सरफेस होता तो उसका एरिया 2πRL है, तो आपको हाफ सरफेस लेना है तो इसका एरिया क्या लिया जाएगा, हाफ लिया जाएगा, 2πRL/2 कर देंगे, क्योंकि पूरे सरफेस से फील्ड लाइन आउटवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएंगी, क्योंकि अंदर थोड़ी ना है चार्ज, ये जो सिलेंड्रिकल शेल के इसके अंदर नहीं है चार्ज, ये हमने बी पार्ट यहाँ पे सॉल्व किया, और ये सी पार्ट को देखिए, सिलेंड्रिकल शेल वाला। सो फ्लक्स आउटगोइंग फ्लक्स विल बी ई ए कॉस 0 डिग्री, ये सरफेस एरिया का ये एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में आएगा, दिस विल बी द एरिया वेक्टर। So outgoing flux will be electric field, uniform electric field है, EA, area will be 2πRL, पूरा curve surface area, लेकिन outgoing flux तो सिर्फ half surface से होगा, half में inward होगा, half में क्या होगा, outward flux होगा, तो इसका divide by 2 कर देंगे,
ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, सो द आउटगोइंग फ्लक्स टू द सिलेंड्रिकल शेल विल बी ई इनटू पाई आर एल, सो दिस विल बी द फ्लक्स, ये फ्लक्स होगा इस सरफेस के साथ। ओके, इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं किसी भी गॉसियन एप्लीकेशन का एग्जांपल लेते हैं, स्फेरिकल शेल का, कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल का या नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल का, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक दो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप ट्राई करके देखेंगे। क्वेश्चंस में लिखता हूँ, स्फीयर ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए स्फीयर ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर इज यूनिफॉर्मली चार्ज, स्फीयर ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, सो दैट the electric field intensity at the surface is uniformly charged, so that electric field intensity at the surface, electric field intensity at the surface becomes 5 × 10⁵, becomes 5 × 10⁵ volt per meter. Full stop. Determine the force on a charge. Determine the force on a charge 5 × 10⁻²⁰ microcoulomb at a distance 25 centimeter. At a distance 25 centimeter from the center of the sphere, from the center of the sphere. देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। स्फीयर के बारे में बता रखा है, तो स्फीयर के सरफेस पर और उसके आउटसाइड में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो उसके फॉर्मूलास को आपको यूज करना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। देखिए किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इसके डायग्राम के बारे में देखते हैं। ये एक स्फीयर दे रखा है जो कैसा चार्ज है, जो यूनिफॉर्मली चार्ज है। हमें नहीं पता ये कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग है, कुछ भी गिवन नहीं है। बस ये गिवन है कि इस सरफेस, ये जो है इसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर है। गिवन क्वांटिटीज क्या है? गिवन क्वांटिटीज है डायमीटर 10 सेंटीमीटर और रेडियस कितनी होगी? रेडियस विल बी 5 × 10⁻²। पहले सेंटीमीटर में लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर और मीटर में क्या लिखेंगे? 5 × 10⁻²। ओके, इसकी रेडियस गिवन है बस 5 सेंटीमीटर और इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस, सरफेस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है? 5 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। This is the electric field which is given at the surface. और आपसे पूछा जा रहा है कि इसके outside, इसके outside यहाँ पर कोई point है, ये observation point है, मान लेते हैं हमारा P point है, और ये यहाँ से कितनी distance पर है इसके center से? इसके center से 25 centimeter की distance पर है, और यहाँ पर एक charge रखा गया,
यहाँ पर एक चार्ज रखा गया, वो चार्ज की क्वांटिटी आपको बता रखी है। दिस चार्ज इज, ये टेस्ट चार्ज लिख देते हैं, इसको क्यू नोट लिख देते हैं। ये चार्ज है 5 × 10⁻²− माइक्रोकुलम्ब। ये यहाँ पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या बताना पड़ेगा, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना पड़ेगा। पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताने के लिए क्या चाहिए, इसका फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, आउटसाइड के फॉर्मूला क्या लिख पाए थे, 1/4πε0Q/r2। आर क्या होगा, आर तो डिस्टेंस है, ये गिवन है 25 सेंटीमीटर। तो पहले आपको पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप बता देंगे तो हम लोग फिर क्या करेंगे, फिर हम फोर्स का फॉर्मूला लगा देंगे, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, और ये क्यू नॉट, क्यू नॉट चार्ज आपको गिवन है क्वेश्चन में। तो इस चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, वो इस फॉर्मूला से हम लोग क्या कर देंगे, कैलकुलेट कर देंगे, एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई से। तो पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड का बताना है। तो आउटसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड बताने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इस स्फीयर में कितना चार्ज है, इस स्फीयर में कितना चार्ज है। चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आंसर है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस का बता रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस ये गिवन है, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। इसको यहां लिख देते हैं, जो जो क्वांटिटीज गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस, सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड है 5 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर। ओके, तो फिर मैं ये फॉर्मूला लगाता हूं, पहले ये कैलकुलेट करते हैं, चार्ज ऑन द शेल, ऑन द स्फीयर। ये चार्ज कैलकुलेट करने के लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस विल बी 1/4π। क्या फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस का, Q/R2। सरफेस के फॉर्मूला में कैपिटल आर स्क्वायर आता है, और ये आर कितना गिवन है, सरफेस की जो रेडियस है वो कितनी गिवन है, कैपिटल आर, 5 सेंटीमीटर। और इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस का गिवन है, ये रहा 5 × 10⁵। तो जो जो वैल्यूज गिवन है उसको पुट कर देते हैं, 5 × 10⁵, 1/4πε0। इसको क्या लिख सकते हैं, 9 × 10⁹। चार्ज हमें पता नहीं है, यही तो कैलकुलेट करना है कि इस स्फेरिकल शेल पर या स्फीयर पर कितना चार्ज है। सो क्यू वी हैव टू कैलकुलेट, आर स्क्वेयर 5 × 10⁻², ये डिस्टेंस है, ये रेडियस है स्फेयर की, और इसका क्या करना है, इसका स्क्वेयर करना है। ओके, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए दिस विल बी 5 × 10⁵, और ये 9 × 10⁹ डिवाइड में आ जाएगा, 9 × 10⁹ मल्टीप्लाई बाय ये 5 × 10⁵ का स्क्वायर और 10⁻²² का स्क्वायर, स्क्वायर करके मैं इधर लेकर के आ रहा हूँ इसको, तो 5 का स्क्वायर होगा 25 और 10⁻²² का स्क्वायर होगा 10⁻⁴। तो ये 5 × 10⁻²² का स्क्वायर हम इधर मल्टीप्लाई में ले आएंगे, ये इधर डिवाइड में ले आएंगे, तो इक्वल टू में रह जाए, क्या रह जाएगा, इक्वल टू में सिर्फ चार्ज आ जाएगा क्यू। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 5 × 25 सो दिस विल बी 125/9, और पावर कितनी रह जाएगी, 10⁵5 और −4, सो दिस विल बी 10⁻¹, और ये 10⁹ अपस्टेयर्स में जाएगा, सो दिस विल बी 10⁻¹⁸ एंड दिस विल बी द चार्ज। तो ये चार्ज आएगा, तो क्यू कितना आ रहा है, क्यू आ रहा है 125/9 × 10⁻¹ कूलॉम्ब। सो दिस इज द चार्ज ऑन द स्फीयर, ये चार्ज कहाँ पर है, ये चार्ज है स्फीयर पे, इतना चार्ज है। ओके, अब आपने चार्ज कैलकुलेट कर लिया, तो इसके आउटसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बता सकते, तो आंसर है बता सकते हैं, तो उसको कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आउटसाइड, 1/4πε0Q/r2, ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड विल बी 1/4πε0 9 × 10⁹। चार्ज, चार्ज की वैल्यू अभी हमने निकाली, कितना चार्ज है स्फीयर पे, स्फीयर पे चार्ज है 125/9 × 10⁻¹ एंड डिस्टेंस स्क्वायर, कितने डिस्टेंस पर है ये पी पॉइंट, पी पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है, तो आंसर है 25 सेंटीमीटर पर है। 25 सेंटीमीटर का मतलब होता है 25 × 10⁻² मीटर, 10⁻², मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर में लिखा जा सकता है, तो हमने इसको मीटर में लिख दिया, सो दिस विल बी 25।